brought to you by Techno Camon 30 series. तो मैं भी फिरोजाबाद का चुनाव लड़ने आया नहीं हूँ। मुझे माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था कि विश्वदीप सिंह आओ, यहाँ से चुनाव लड़ो, सांसद बनो और यहाँ की जनता की सेवा करो। तो हनुमान जी की कृपा हमें पूरी प्राप्त है और आगे भी प्राप्त हो, इसलिए गेरुआ वस्त्र धारण करके आए। जीत के प्रति आश्वस्त? मतगणना प्रारंभ होने वाली है और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, 1 बजे तक परिणाम आएगा। आज क्या ये सोचते हैं, क्या इनके मन में है? भाई साहब कैसा लग रहा है इस समय? गुदगुदी सी हो रही है, रिजल्ट आ रहा है क्या? रिजल्ट तो हिंदुस्तान की मीडिया ने परसों ही जाहिर कर दिया था। हम तो आज यहाँ गिनती करने आए हैं कि कितने से जीत रहे हैं। आज सुबह की दिनचर्या क्या रही? आप सुबह उठे फिर कैसे कैसे आप अभी? मैं वैसे भी रोजाना 6 बजे से पूर्व उठने वाला व्यक्ति हूँ। सुबह नित्य कर्म के बाद जो है प्रभु का स्मरण करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आज भी वही चला, प्रभु का स्मरण किया, आज थोड़ा ज़्यादा किया। आपके परिवार का राजनीति में बहुत लंबा इतिहास है। सन 1955 से लेके जब आपके फादर फिरोजाबाद के जलेसर से सांसद बने थे, फिरोजाबाद से ही सांसद बने थे, उससे लेके अभी तक कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आप कई राजनीतिक दलों में पहले भी जा चुके हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं स्वर्गीय श्री ब्रजराज सिंह जी का बेटा हूँ और उनके बेटे होने के नाते हमारे परिवार का राजनीतिक जुड़ाव शुरू से रहा। पिताजी के तमाम इलेक्शन लड़ाने का मुझे सौभाग्य मिला, माताजी के तमाम इलेक्शन लड़ने का सौभाग्य मिला और अब ईश्वर ने अवसर दिया तो 10 साल पहले एक चुनाव लड़ा था, एक चुनाव आज लड़ रहा हूँ। 10 साल पहले भारतीय जनता मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी था, आज भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हूँ। आपको 16 तारीख को टिकट मिली, 19 तारीख को नॉमिनेशन, 17 को मिली, 19 को नॉमिनेशन था, तो कम समय मिला आपको प्रचार करने के लिए। कुछ कसक रह गई कि मैं ये और कर सकता था अगर मुझे समय मिलता? देखो साहब, हमारे नेता ने कहा था जब पहली बार बनारस पहुंचे थे तो बोले मैं बनारस आया नहीं हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं भी फिरोजाबाद का चुनाव लड़ने आया नहीं हूँ। मुझे माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था कि विश्वदीप सिंह आओ, यहाँ से चुनाव लड़ो, सांसद बनो और यहाँ की जनता की सेवा करो। तो उनके आदेश का पालन करते हुए मैं आज, मुझे जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद मैं फिरोजाबाद का नेता नहीं, फिरोजाबाद का बेटा बन के फिरोजाबाद की सेवा करने का, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का और माननीय मोदी जी के निर्देशों का पालन करने का काम करूँगा। एक अंतिम प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ सुबह से कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पोलिंग एजेंट हैं ये गेरुआ अंगवस्त्र धारण करके आए हैं, ऐसा क्या हुआ, क्या जरूरत है आज के दिन भी? आज के लिए कमाल है, जिसको भी आप देखेंगे ना जो आपके साथ भी हैं ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये तो सुनो, ये तो हमारे मतलब सनातन पहनावा है हमारा गेरुआ वस्त्र। तो आज हम क्योंकि राम भक्त हैं, आज मंगल का दिन है, बड़ा मंगल है, आज हनुमान जी का दिन है, तो वो भी जो अपना चोला पहनते हैं वो गेरू रंग का ही पहनते हैं। तो हनुमान जी की कृपा हमें पूरी प्राप्त है और आगे भी प्राप्त हो, इसलिए गेरुआ वस्त्र धारण करके आए। जीत के प्रति आश्वस्त है? 100%। ये विश्वदीप सिंह हैं जो कह रहे हैं कि जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं और गेरुआ वस्त्र धारण को कहते हैं कि हनुमान जी का चोला पहन के आए हैं। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, UP तक।